गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मदानसी सुपर लीग के 7th मैच की मैच प्रेडिक्शन, जो कि होगा नेल्सन मंडेला बे जायंट्स और केप टाउन ब्लिट्स के बीच। और ये मुकाबला खेला जाएगा 21 नवंबर की रात को 10:30 बजे भारतीय समय अनुसार, और ये मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका के न्यूलैंड केप टाउन में। तो आइए जानने से पहले कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों में से कौन सी टीम ये मैच विन करेगी और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं, हम सबसे पहले नज़र डालेंगे दोनों टीमों की बल्लेबाजी के ऊपर और देखेंगे किस टीम की बल्लेबाजी कितनी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले अगर मैं नेल्सन मंडेला बे जायंट्स की बल्लेबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास जेसन रॉय, क्रिस मॉरिस, जे जे स्मार्ट्स, क्रिश्चियन जॉन्कर जैसे बल्लेबाज और बेन डकेट जैसे बल्लेबाज और रायन मक्लेरन जैसे ऑलराउंडर बल्लेबाज है दोस्तों। वहीं अगर मैं केपटाउन ब्लिट्स की बल्लेबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास क्लिंटन डीकॉक, डेविड मलान, आसिफ अली, जनमन मलान और फरहान बहरदीन जैसे बल्लेबाज है दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूं तो मुझे तो केप टाउन ब्लिट्स का पल्ला भारी नहीं लग रहा है बल्लेबाजी में, मुझे नेल्सन मंडेला बे जायंट्स का पल्ला भारी लग रहा है। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो मैं 60 दूंगा नेल्सन मंडेला बे जायंट्स की बल्लेबाजी को और 40 दूंगा केप टाउन ब्लिट्स की बल्लेबाजी को। अब आइए दोनों टीमों की गेंदबाजी पर नज़र डालते हैं और देखते हैं किस टीम की गेंदबाजी कितनी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले अगर मैं केप टाउन ब्लिट्स की गेंदबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास एंडन फ्लिकवायो, डेल स्टेन्स, सैमुअल बद्री, आसिफ अली जैसे गेंदबाज है दोस्तों। वहीं अगर मैं नेल्सन मंडेला बे जायंट्स की गेंदबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास जो गेंदबाज है वह है जूनियर डायला, इमरान ताहिर जैसे गेंदबाज, लिजर्ड विलियम्स, रूडी सेकंड जैसे गेंदबाज। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो भले ही बल्लेबाजी में नेल्सन मंडेला बे जायंट्स का पल्ला भारी हो पर गेंदबाजी में एंडल फ्लुकवायो और डेल स्टेन की वजह से और सैमुअल बद्री की वजह से मुझे केप टाउन ब्लिट्स का पल्ला भारी लग रहा है। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो मैं 70 दूंगा केप टाउन ब्लिट्स की गेंदबाजी को और 30 दूंगा नेल्सन मंडेला बे जायंट्स की गेंदबाजी को। अब भाई इस पर नज़र डालते हैं कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों से कौन सी टीम है मैच जीतेगी और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं। तो ये मैच होगा साउथ अफ्रीका के न्यूलैंड केप टाउन में, पर मैं बैक करूंगा नेल्सन मंडेला बे जायंट्स को ये मैच जीतने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से नेल्सन मंडेला बे जायंट्स ये मैच जीत जाएगी। और अगर मैं चांसेस की बात करूँ तो करीबन 52% चांसेस है नेल्सन मंडेला बे जायंट्स के मैच जीतने के और करीबन 48% चांसेस है केप टाउन ब्लिट्स के मैच जीतने के। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ जो मेरी मैच प्रेडिक्शन की वीडियो है इसको मैं 100% सही होने की गारंटी नहीं दे सकता, इसको मैं 90-95% सही होने की गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है ये मैच नेल्सन मंडेला बे जायंट्स नहीं केप टाउन ब्लिट्स जीतेगी तो आप केप टाउन ब्लिट्स के साथ जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे ही मैच प्रेडिक्शन की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो इन दी एंड आपको मैच प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी। ओके गाइस, इन द नेक्स्ट वीडियो, इन्जॉय लाइफ।